आज हम बनाने वाले हैं एक कटोरी चने की दाल से एक शानदार सी रेसिपी जो सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और वो भी शौक से बहुत खाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक कटोरी चने की दाल जिसको मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था। दो हरी मिर्ची, एक प्याज, एक टमाटर, चार पांच लहसुन की कलियाँ, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को, टमाटर को और लहसुन को थोड़ा क्रश कर लिया है और चने की दाल को। अभी मैं उससे बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है कुकर। हम इसको कुकर में बनाएंगे और मैंने डाला है ऑयल। तो मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम डालेंगे इसके अंदर एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग यानी कि 1/4 स्पून हींग डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग फाइनली चॉप करे हुए प्याज, जो हमने उनको चॉप किया था वो डाल देंगे और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे क्रश किया हुआ गार्लिक, जो लहसुन हमने क्रश करके रखा था वो डाल के हमें इसको जब तक पकाना है जब तक लहसुन का कच्चा स्मेल चला नहीं जाता है। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे फाइनली चॉप टमाटर, जो हमें टमाटर को चॉप करके रखा था वो सब डाल देंगे। और इसके अंदर उसके बाद में थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो मैं डालूँगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इनको हम अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और इन्हें हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर और मसाले अच्छे से पक नहीं जाते हैं। अब मेरे टोमेटो और मसाला पक गया है तो मैं डाल दूँगी अब इसके अंदर एक कटोरी चने की दाल जो मैंने पहले से भिगो के रखी थी, उसको भी डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अब मैंने आधी लौकी को काट लिया है और इसको भी अब चने की दाल के साथ डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं डाल दूँगी लगभग आधा ग्लास पानी। पानी ज़्यादा ना डालें नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ कंसिस्टेंसी में बन जाएगी। तो बस इसके अंदर पानी डाल के मैं इसको कुकर को बंद कर देती हूँ और सीटी आने के लिए छोड़ देती हूँ। तो एक सीटी तो हाई फ्लेम में लेके आनी है और दूसरी सीटी को मैं लो फ्लेम पे। तो बस उसके बाद में हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में भी वो उतनी ही टेस्टी है। अगर आपको थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ी देर इसको और पका सकते हैं ताकि इसका पानी थोड़ा कम हो जाए। बस बन गई। अब लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हर धनिया की पत्तियां भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी शानदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर देंगे तो वो बहुत खुशी से खाएंगे और वो बहुत सारा खा जाएंगे और आप भी बहुत खुश होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।